हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडोसाला में। अगर आप सभी इस साल ITI NCVT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी होनी चाहिए। और ये जो अपडेट है वो आपका है एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग पासिंग मार्क्स है या सबका ओवरऑल पासिंग मार्क्स है, और उसके लिए ओवरऑल अगर पासिंग मार्क्स है तो क्या है, अगर सब्जेक्ट वाइज है तो क्या है। तो इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इस साल जो ITI का एग्ज़ाम है वो आपका पैटर्न चेंज होते रहता है। हर साल कुछ ना तो कुछ बदलाव NCVT करते रहती है। तो NCVT या स्टेट की तरफ से जो भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देते रहते हैं कि आप भी अपडेट रहे और आपको भी सभी जानकारी मिलती रहे। तो ये जो एग्ज़ाम होना है वो आपका जुलाई में और अगस्त में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 3 से लेके 7 जुलाई के बीच में होना है, और जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये दोनों एग्ज़ाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। CBT होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, आपका सेंटर जाएगा, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो आपके कॉलेज में जहाँ से आपने पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पे आपका कंडक्ट किया जाएगा। PDF है आपका NCVT का, उसके माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि जो पासिंग मार्क्स है वो आपका क्या है और कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए उस PDF को देखते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल दिया गया। तो जैसा कि आप ये PDF देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से है आपका। ये 28/4/2023 का ये लेटर है, डिटेल दिया गया है, गाइडलाइन है आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग में, किन किन का एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। आपको मिनिमम अटेंडेंस के लिए 80% से ज़्यादा आपका मिनिमम 80% और 80% से ज़्यादा आपका अटेंडेंस होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो इंटरनल मार्क्स होता है उसमें आपको 60% मिनिमम चाहिए पासिंग होने के लिए। और CBT और प्रैक्टिकल फीस का जो एग्जामिनेशन का जो स्टेटस है, फ़ी आप पे करेंगे तो उसको यस करना पड़ेगा। ये सभी अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है आपका CBT एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट दिया गया आपका CBT एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो जो CBT एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 घंटे होगा, 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा, और इच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होंगे। मतलब टोटल 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह टोटल आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो इस 150 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपका, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इन चारों में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको नीचे दिया गया है, तो उसको भी आप डिटेल में देख लीजिए। ITI में 2 तरह की ट्रेडें होती है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड हो गए, फिटर हो गए, टर्नर हो गए, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सभी आपका इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे आपका मान लीजिए गर्ल्स की ट्रेड है, फैशन डिज़ाइन हो गए, ड्रेस मेकिंग हो गए, आपका ये सभी किस में आता है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है। तो 2 पैटर्न हो जाएंगे, एक इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग होगा, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग होगा। जो इंजीनियरिंग ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसमें 100 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से और 50 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो ट्रेड थ्योरी के अंदर भी कुछ पोर्शन है, जैसे ट्रेड थ्योरी के अंदर आपका आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, ये तीनों मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा तो ये 50 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 50 का हो गया और ट्रेड थ्योरी होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन 38 रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन 6 रहेगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन 6 रहेगा। यानी 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से, 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से और 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो टोटल मिला के आपको कितने हो रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी ये 100 नंबर का हो गया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 25 क्वेश्चन, तो ये 50 मार्क्स का हो गया। तो यानी 150 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा, जो आपका थ्योरी जो ऑनलाइन मोड में CBT एग्ज़ाम होगा। तो ये इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए हो गया। उसके अलावा जो
नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसके लिए 50 क्वेश्चन ओनली ट्रेड थ्योरी से रहेगा जो 100 नंबर का रहेगा, और एम्प्लॉयटी स्किल जो 25 क्वेश्चन है वो 50 नंबर का रहेगा। तो इस तरह टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये दो तरह की ट्रेडें हो गई, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। हमने बता दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। दोनों में एम्प्लॉयटी स्किल के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे, और ट्रेड थ्योरी आपका दोनों में 50-50 रहेगा, लेकिन इंजीनियरिंग में आपका उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहेगा, लेकिन नॉन इंजीनियरिंग में टोटल ओनली जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे। ये तो बात हो गया मार्क्स की। उसके बाद बात करते हैं कि आपको मिनिमम कितना परसेंट या मार्क्स चाहिए आपको पासिंग के लिए। तो दोनों जो एम्प्लॉयटी स्किल है ट्रेड थ्योरी है, दोनों के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स है, ट्रेड थ्योरी है एम्प्लॉयटी स्किल। तो जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयटी स्किल इज 33% ईच, मतलब कि ट्रेड थ्योरी में आपको 33% लाना है और एम्प्लॉयटी स्किल में भी आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्या होगा इसमें पास हो पाएंगे। अगर उससे कम आता है तो आप इसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो जो 50 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी यानी 100 मार्क्स है, तो 100 में आपको 33 मार्क्स आने चाहिए तभी आप इसमें क्या होंगे ट्रेड थ्योरी में पास हो पाएंगे। उसी तरह अगर बात की जाए एम्प्लॉयटी स्किल में, तो एम्प्लॉयटी स्किल में अगर आप 17 नंबर सिक्योर कर रहे हैं, 17 नंबर अगर आपका आ जा रहा है तो आप उसमें पास होंगे। तो यानी आप मान लीजिए कि आपको टोटल ट्रेड थ्योरी में 33 नंबर लाने हैं 100 में से, और एम्प्लॉयटी स्किल में आपको 50 में से 17 नंबर लाने हैं तभी आप पास हो पाइएगा। तो ये पूरा डिटेल हो गया आपका एग्ज़ाम के पैटर्न का। अगर आप भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग में कन्फ्यूज़न हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।